नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हाँ, एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सर्वे हो रहा है, वहीं बड़ोदरा के वार्ड नंबर 6 के याकूतपुरा के सरसिया तालाब गंदगी व दुर्गंध से भरा हुआ बड़ी ही बुरी हालत में पड़ा है। तालाब के अंदर जानवरों के मरे होने की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी रोष है। न ही नगर सेवक केतम ब्रह्मभट्ट को इस बात की परवाह है, न ही किसी सरकारी कर्मचारी को लोगों के बार बार कॉन्टेक्ट करने पर, न ही तालाब के कॉन्ट्रेक्टर का और न ही किसी सरकारी अफसर का कोई जवाब नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ के रहवासियों में बीमारी का कोई बड़ा रूप लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक कागजी अभियान यहाँ बन के रह जाएगा या यहाँ कोई उचित कार्रवाई होगी। बड़ोदरा से मुमताज खान की एक रिपोर्ट। हेमनानी है वारसिया में जो रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है उनकी। बहुत काफ़ी हमारे लड़के यहाँ से कोशिश करते हैं मगर उसके बाद भी कोई यहाँ पर आता नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ कचरा डाला जाता है लेकिन उसको निकालने, साफ सफाई करने कोई भी नहीं आते। उससे यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है, कोई भी अधिकारी आपके यहाँ पर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है। कोई अधिकार नहीं आता हमारे यहाँ पर, कोई अधिकार नहीं आता। आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? प्रशासन के लिए यही है कि जो प्रशासन ये बोल रहा है कि स्वच्छता अभियान चला रहा है प्रशासन, तो ये स्वच्छता अभियान कहाँ पर चल रहा है, कौन सी तरफ चल रहा है, ये हमारे को तुम बताए तो हमें पता चले कि स्वच्छता अभियान क्या सिर्फ मेन रोड के लिए, गलियों के अंदर और मोहल्ले के अंदर स्वच्छता अभियान की कोई ज़रूरत नहीं है क्या? तालाब को आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितना स्वच्छता अभियान है। और ये जो यहाँ पर अभी ये मीडिया वाले आए हुए हैं और ये अभी जो यहाँ पे वीडियो उतारा, अभी ये न्यूज़ में चलेगा, इसके पहले भी मीडिया वाले आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई ध्यान तवज्जो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। शुक्रिया भाई साहब। ये याकूतपुरा सरसिया तालाब की गंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? याकूतपुरा सरसिया तालाब की जो गंदगी है ये बहुत ही बढ़ चुकी है और इस गंदगी के तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। कॉरपोरेशन के अंदर हम बार बार फ़ोन करते, कंप्लेन करते लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देता। यहाँ पर 5 बड़े बड़े काजब जो मर चुके हैं, कल भी एक काजब मर गया और उसको भी कॉरपोरेशन सिर्फ निकालने आते और वो भी इतनी बदबू आती है, बास आती है, उसके बाद वो लोग निकालने आते, 50-50 फ़ोन करते, उसके बाद कॉरपोरेशन वाले यहाँ पर आते, सामने पूरी बस्ती तोड़ दी है और उसके बाद भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। तालाब के अंदर सिर्फ कचरा ही कचरा है। कोई भी गवर्नमेंट सरकार या कोई कॉरपोरेशन वाले या कोई भी कॉरपोरेटर सरसिया तालाब को पे ध्यान नहीं देते। आपका कौन सा वार्ड गिनाता है सब? वार्ड नंबर 2 है, ये वार्ड नंबर 2 गिनाता है। हम जब यहाँ से कॉल करते हैं वार्ड नंबर 2 में तो हमें जवाब भी इस तरह मिलता है कि हमें, हमारे पास अभी इसका कोई वो प्लान नहीं है और हम इसके अभी कुछ काम नहीं कर सकते। आपके कॉरपोरेटर का नाम बता सकते हैं आप?